गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम ऑनलाइन क्लासेस फॉर उर्मिला देवी डिग्री कॉलेज प्रयागराज। आई एम राजेंद्र प्रसाद। टुडेज क्लास स्टार्ट विल बी फाइलम प्रोटोजोआ in the topic of Euglena found in nutrition। तो छात्रों, आज हम आपको phylum protozoa में Euglena animals में nutrition कैसे होता है उसके बारे में हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं। तो न्यूट्रिएशन मीन्स होता है पोषण। Euglena में पोषण किस टाइप से होगा, पोषण कितने प्रकार से होता है, तो इनके बारे में एक बार हम आपको समझाने चल रहे हैं। तो जो न्यूट्रिएशन है, पोषण, Euglena नाम से ही पता चल रहा है कि जो Euglena viridis phylum protozoa इन द टॉपिक ऑफ Euglena, तो Euglena में जो ये टॉपिक न्यूट्रिएशन आया हुआ है, तो सबसे पहले हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया भी था कि सिस्टमेटिक पोजीशन जो बताए, उसी सिस्टमेटिक पोजीशन के आधार पर उनके नाम से जो क्लासिफिकेशन हमने बताया, वर्गीकरण, कि फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा, आर्डर Euglenidae, जीनस Euglena, स्पीसीज वेरिडिस, तो वहाँ पे नाम से ही पता चला है, क्योंकि Euglena और वेरिडिस दोनों, जो Euglena वर्ड है वो आपका ग्रीक वर्ड है, जो विरडिस है वो लैटिन वर्ड है। तो जो विरडिस मीन्स होता है ग्रीन, और Euglena का जो ग्रीक वर्ड है यू प्लस ग्लीन, तो यू मीन्स ट्रू और ग्लीन मीन्स होता है आई बॉल, मीन्स जो सत्यता में दिया गया कि एनिमल के आंख के अंदर जो स्फेरिकल मीन्स गोलाकार स्ट्रक्चर होते हैं उसी के आधार पे वो देख लेता है। और एक तरीके आप समझ सकते हैं कि जो विरडिस मीन्स ग्रीन वर्ड्स, जो ग्रीन कलर दिखाता है स्पीसी जो जाति है, इसके नाम से ही पता चल जाता है कि यह हरे रंग का प्राणी है। अगर हरे रंग की बात आती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी प्लांट सभी हरे होते हैं। अगर कोई भी प्लांट हो या एनिमल के अंदर, देखिए Euglena फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर एक ऐसा प्राणी है जो जंतु और पादप दोनों के लक्षण को प्रतीत करता हुआ दिखाई देता है, दोनों के लक्षण को दिखलाता है। इसलिए जो न्यूट्रिएशन है, जो पोषण है, वो आपका मिक्सोट्रॉफिक होता है, दोहरा पोषण विधि होता है। जैसे आपको हम यहाँ पे दिखला देते हैं कि द न्यूट्रिएशन ऑफ Euglena फाउंड इन टू टाइप्स, दैट इज फर्स्ट टाइप इज होलोफिटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन, होलोफिटिक और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन। सेकेंड है सैप्रोफिटिक और सैप्रोजोइक न्यूट्रिएशन। तो जो आपके होलोफिटिक और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन है, आप हमने यहाँ पे दिखाया भी कि इन Euglena viridis न्यूट्रिएशन इज ऑटोट्रॉफिक और होलोफिटिक एज वेल एज सैप्रोफिटिक। तो जो एनिमल्स में पोषण है वह स्वपोषी होता है, और एज वेल एज सैप्रोफिटिक मीन्स मैनली Euglena की बॉडी में पोषण स्वपोषी होगा, न कि परपोषी।
यहाँ पे स्वपोषी होता है, लेकिन एक कंडीशन और है कि यहाँ पे मिक्सोट्रॉफिक है तो होलोफिटिक एज वेल एज सैप्रोफिटिक सच एज डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिएशन इज फ्रिक्वेंटली रेफर टू एज अ मिक्सोट्रॉफिक। अगर सैप्रोफिटिक है होलोफिटिक है, एक तरीके से यहाँ पे दो न्यूट्रिएशन एक साथ हो रहा है और देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनिमल लाइक द होलोजोइक न्यूट्रिएशन इन युगलिना। युगलिना में जंतु के समान न्यूट्रिएशन का कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है कि हम आपको बता सकते हैं कि यह एनिमल है तो एनिमल के जैसा भोजन को ग्रहण करता है, उससे पोषण उनको मिलता है। लेकिन छात्रों आप समझ लीजिए कि इसमें जो न्यूट्रिएशन होता है वो मिक्सोट्रॉफिक मिश्रपोषी क्या होता है, मिश्रपोषी पोषण होता है। और यहाँ पे जो मिश्रपोषी पोषण का मतलब ये है कि वहाँ पे आपका होलोफिटिक सैप्रोफिटिक जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो क्या होता है कि वो मिक्सोट्रॉफिक के नाम से जानते हैं। कंडीशन ये है कि जो मिक्सोट्रॉफिक पोषण है वहाँ पे जैसे प्लांट अपना भोजन सनलाइट और अर्थ से मिनरल्स वाटर्स लेकर के अपना भोजन कलेक्ट करते हैं, उसी के अनुसार यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो तो होलोजोइक मैनर से होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्लांट का कैरेक्टर जो है प्ले करता है। इसलिए दिन के टाइम में जो लाइट में अगर ये रहता है तो स्वयं अपना भोजन बनाता है, इसलिए इसको होलोफिटिक न्यूट्रिएशन के नाम से जानते हैं। अगर वो अगर डार्कनेस प्लेस पे बनाता है रात्रि में तो थोड़ा सा एनिमल के जैसा भोजन लेता है, जैसे इनका जो प्रोटोजोन्स एनिमल्स हैं तो इनका जो मुख्य भोजन है वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, डायटम्स होंगे, तीन सबको युगलिना जो प्राणी भोजन के रूप में फीड करता है और फिर उसको उससे पोषण मिलता है। तो इसमें एक मेन बात यह है कि ये ऑटोट्रॉप्स और होलोफिटिक दोनों तरीके से ये पोषण कर सकता है, क्योंकि दिन के समय सन लाइट लेकर के अपना भोजन निर्माण करता है और इनकी बॉडी में क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो हरित लवक होते हैं, और हरित लवक के द्वारा ये सनलाइट लेकर के जल और खनिज लेकर के प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे पौधे बनाते हैं वैसे युगलिना प्राणी भी अपना भोजन बनाता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप है न्यूट्रिएशन ऑफ युगलिना का, उसमें फर्स्ट पॉइंट है होलोफिटिक और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन। द मेन मोड ऑफ न्यूट्रिएशन इज युगलिना इज द होलोफिटिक और ऑटोट्रॉफिक। तो युगलिना मेनली होलोफिटिक टाइप से न्यूट्रिएशन करता है और यह टाइप से न्यूट्रिशन करने के लिए उसमें अलग से फोटोसिंथेसिस क्रियाएं होती हैं, जैसा कि हमने आपको डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज लाइक ग्रीन प्लांट्स। जैसे ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं वैसे ये युगलिना प्राणी भी अपना भोजन स्वयं बनाता है। इट कैन मैन्युफैक्चर इट्स ओन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द एड ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंस इन द क्लोरोप्लास्ट। द क्लोरोफिल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, विद दिस एनर्जी वाटर रिएक्ट विद द CO2 इन ए सीरीज ऑफ स्टेप फॉर्मिंग ए हेक्सोज शुगर। दिस इज देन ट्रांसफर्ड इन टू टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स कॉल्ड पैरामाइलन। तो जैसा आपको हमने डिफाइन किया, इसको मेनली ये मुख्य तरीके से युगलिना में होलोफिटिक और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि पौधों में होता है। और ये न्यूट्रिशन होलोफिटिक न्यूट्रिशन करने के लिए सबसे पहले एनिमल्स को सनलाइट की आवश्यकता होती है, इसके बाद वह
पृथ्वी से जल और खनिज लवण लेता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, उसके प्रेजेंस में, उसके उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सबसे मुख्य बात है कि क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट रहेगा तभी वो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। तो योगलीना प्राणी वो प्रेजेंस ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अर्थ ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ द फूड ऑफ योगलीना। तो योगलीना अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्वयं भोजन बनाने के लिए प्राणी को सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है, और वह पृथ्वी से जल और खनिज लवण लेकर के अपना भोजन स्वयं बनाता है, जिससे उसकी बॉडी हरे रंग की दिखती है। और हरे रंग दिखने का मेन कारण है कि बॉडी के अंदर क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, और क्लोरोप्लास्ट जब उपस्थित होगा तो वो अपना भोजन स्वयं बनाएगा, और क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफर्ड होता है पैरामाइलन बॉडी में, और पैरामाइलन एक फूड वैक्यूल्स की तरह जो है ऑर्गन्स होता है, जिसमें भोजन पूरी तरीके से वहाँ पे स्टोर्ड होगा, और टाइम और पॉलीसेक्राइड मटेरियल बनाता है जिसे हम पैरामाइलन पॉलीसेक्राइड कार्ड पैरामाइलन होता है, दिस इज देन ट्रांसफर इन टू ए टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड कार्ड पैरामाइलन। तो पॉलीसेक्राइड को ट्रांसफर करता है जिसे हम क्या कहते हैं पैरामाइलन कहते हैं, और पैरामाइलन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्म में पाया जाता है, जिससे जो भी एनिमल्स भोजन बनाता है तो वहाँ पे जाके स्टोर्ड होता है, और वहाँ से फिर उसको एनर्जी मिलती है, और फिर एनिमल्स अपना वर्क करना शुरू कर देता है, उसकी बॉडी एक्टिव रहती है। सबसे पहली बात ये है कि कोई भी एनिमल्स हो, चाहे वो प्रोटोजोअन्स एनिमल हो, चाहे आपका वर्टिब्रेट्स एनिमल हो, अगर वो प्रोड्यूस हुए हैं तो उनको कम से कम तीन चीज़ों की आवश्यकता मेन होती है, एक फूड और दूसरा वाटर और तीसरा एयर, और चाहे वो इनवर्टिब्रेट हो चाहे वर्टिब्रेट हो। इसलिए बता रहे हैं कि अगर कोई भी जीव उत्पन्न होता है तो उसको सबसे पहली बात यह है कि वायु की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता और जल की आवश्यकता होती है। इस तरीके से जो योगलीना प्राणी है तो वो अपना पोषण जो है स्वयं बनाता है, यह बिल्कुल पौधों की तरह ही अपना भोजन बनाने में सक्षम है, और सारे प्रोसीजर वो प्लांट की तरह जो है कर लेता है, और उनके अंदर पाए भी जाते हैं। तो उससे मेन प्रोडक्ट जो है वो आपका क्लोरोप्लास्ट है। वैसे बॉडी के अंदर योगलीना बॉडी के अंदर जो है क्लोरोफिल ए बी एंड बीटा कैरोटीन तीन मटेरियल्स होते हैं, जिसकी तरीके से वो पांडुरित जो हमने आपको बताया कि एटियोलेटेड वो आपका प्रोसेस से वो कंप्लीट करते हैं। तो ये तो पहला प्रोसेस था होलोफिटिक और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन। अब जो सेकंड पॉइंट न्यूट्रिएशन का है वो सैप्रोफिटिक और सैप्रोजोइक न्यूट्रिएशन। तो सैप्रोफिटिक और सैप्रोजोइक कि मीन्स यह एनिमल्स की तरह जो है पोषण करेगा। हमने आपको पहले भी बताया कि यह आपका डार्कनेस प्लेस पे जब आता है तब ऐसा कंडीशंस में लागू होता है। तो सैप्रोफिटिक और सैप्रोजोइक न्यूट्रिएशन इन प्रोलॉन्गेड डार्कनेस योगलीना लूजेस इट्स क्लोरोफिल एंड ग्रीन कलर, इट बिकम एट्यूलेटेड दैट इज बिकम पाल और वाइट, इट कंटिन्यू टू लीव एंड परफॉर्म ऑल द लाइफ एक्टिविटी। सैप्रोफिटिक और सैप्रोजोइक मेथड विच मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ डिकेइंग और ऑर्गेनिक सबस्टांसिस डिजॉल्व इन सराउंडिंग वाटर आर एब्जॉर्ब थ्रू इट्स जनरल बॉडी सर्फिस। तो कंडीशन ये है, इनकी दशा ये होती है कि मैनली अगर प्रकाश की अनुपस्थिति में ये अपना भोजन सड़े गले वस्तुओं से लेता है, और अभी तक जैसा हमने बताया कि इसका कोई प्रमाण कोई भी साइंटिस्ट सिद्ध नहीं किया कि
यह एनिमल लाइक से या होलोजोइक मैनर से भोजन या पोषण लेता है, ऐसा नहीं दिखाया गया कि इसमें जो आपका पांडुरित इटियोलेटेड जो पाल वाइट आर कंटिन्यू, मतलब जैसे अगर मान लीजिए कि सूर्य का प्रकाश अगर इसको नहीं मिल रहा है तो उस समय इसकी बॉडी का जो कलर है वो बिल्कुल सफ़ेद जैसा हो जाएगा, हल्के सफ़ेद में आ जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर सनलाइट अगर नहीं मिलेगी तो एनिमल्स या प्लांट्स जैसे यूग्लिना एनिमल्स है तो मेनली इसके पोषण के लिए ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके अनुपस्थिति में अगर सनलाइट नहीं है, रात्रि में अगर है, तो ये एनिमल जैसा जो है अपना भोजन लेता है तो उससे उसको पोषण मिलता है, और एनिमल लाइक अगर लेगा तो उसमें ऑर्गेनिक डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो डिजॉल्व होते हैं वाटर में, और उसको फिर एनिमल्स जो है अपने जनरल बॉडी सरफेस से फीड करता है। वैसे आप जानते हैं कि एनिमल्स जो यूग्लिना प्राणी है वो मोस्टली तौर से फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और ऐसे पॉन्ड्स में पाए जाएंगे जहाँ पे ज़्यादातर जो है कि हरे रंग के जो प्लांट्स हैं या शैवाल्स हैं, या मान लीजिए कुछ ऐसे तालाब होंगे जहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस या एनिमल्स का फीकस मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल मीन्स जो मल है वहाँ पे ज़्यादातर रहेंगे, तो वहाँ पे ये ज़्यादातर दिखलाई पड़ते हैं। तो वहाँ पे जब ये रहेंगे तो अपना भोजन, चाहे रात्रि का समय है तब पर भी वो डिकेइंग या ऑर्गेनिक सब्सटेंस लेकर के अपना भोजन पूरा फीड करते हैं, और फिर भोजन अगर मिल गया फीड करेंगे फिर वो अपना पोषण तैयार कर लेते हैं। तो ये रहा आपका न्यूट्रिशन की बात, तो न्यूट्रिशन मैनली यूग्लिना में आपका मिक्सोट्रॉफिक होता है जिसको हम मिश्र पोषी कहते हैं। ये एक तरीके से डुअल फंक्शन का रोल जो है प्ले करता है, एक तरीके से एनिमल और प्लांट दोनों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं, जो मतलब दिन के समय में वो पौधों की तरह अपना पोषण करता है और रात्रि के समय वो एक जंतुओं की तरह पोषण करता है। लेकिन साइंटिस्ट वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें भले ही दिखाया गया कि जंतुओं की तरह भी रात्रि में करते हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई भी इविडेंस मीन्स प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए हम इसमें जो न्यूट्रिशन की बात लेते हैं यूग्लिना में, तो द यूग्लिना इज द न्यूट्रिशन ऑफ टू टाइप, दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ द होलोफिटिक आर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज द होलोफिटिक आर द प्रोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये जो दो टाइप्स न्यूट्रिशन है, इस तरीके से आपको समझ में भी आया होगा कि न्यूट्रिशन। अब हम आपको लेके चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है सेक्स रिप्रोडक्शन। हम आपको अब अभी तक न्यूट्रिशन आपको पढ़ाए और न्यूट्रिशन आप पढ़े भी, अब नेक्स्ट पॉइंट योगलीना में आता है कि हम अभी रिप्रोडक्शन से पहले न्यूट्रिशन के बाद एक पॉइंट आता है आस्मोरेगुलेशन। आस्मोरेगुलेशन मेंस होता है परासरण नियमन। तो आस्मोरेगुलेशन इज द योगलीना फाउंड इन टू प्रोसेस, दैट इज फर्स्ट प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड सेकेंड प्रोसेस इज द डिफ्यूजन। द ऑस्मोरेगुलेशन इज द मेन फंक्शन ऑफ योगलीना बॉडी इज द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स आर्गन। द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स आर्गन इज मेन फंक्शन ऑफ द ऑस्मोरेगुलेशन। तो मेनली योगलीना की बॉडी में जो परासरण नियमन है वो मैनली कॉन्ट्रेक्टाइल आर्गन्स की सहायता से होता है, संकुचनशील रिक्टिकल्स की सहायता से होता है। इनमें जो आस्मो रेगुलेशन है उनका मेन वर्क ये होता है कि वो कैसे बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल को डिफ्यूज करते हैं, विसरित करते हैं। तो जैसे इसमें आस्मोसिस और डिफ्यूजन की बात आती है, तो आस्मोसिस जो होते हैं उससे फ्रेश वाटर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स की सहायता से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, और जो डिफ्यूजन है उसके जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स की सहायता से वो वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर होते हैं। तो रही बात जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो आस्मोरेगुलेशन है, तो आस्मोरेगुलेशन जो परासरण नियमन है बॉडी के अंदर वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इज द मेन फंक्शन ऑफ द आस्मो
regulation, the ASO regulation is the discharge of the water of the body. तो next point हम आपको main जो point हमारा है वो है reproduction of Euglena. Reproduction of Euglena. Euglena में प्रजनन कैसे होता है और कितनी टाइप से होगा तो उसको आप समझ लीजिए. जो मेन रिप्रोडक्शन ऑफ Euglena, द रिप्रोडक्शन ऑफ Euglena इज फाउंड थ्री पार्ट्स. दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बाइंडिंग फिजन, सेकेंड टाइप इज मल्टीपल फिजन एंड अल्वेलर स्टेज, थर्ड टाइप है इन सिस्टमेंट. तो जो लॉन्गिट्यूडनल बाइंडिंग फिजन है वे विभाजन विखंडन के द्वारा कैसे Euglena में प्रजनन शुरू होता है. तो ये सबसे पहला पॉइंट जो आपका है लॉन्गिट्यूडनल बाइंडिंग फिजन. तो लॉन्गिट्यूडनल बाइंडिंग फिजन जो विभाजन किस टाइप से कैसे होगा तो उसको हम आपको डिफाइन कर रहे हैं. अंडर फेवरेबल इकोलॉजिकल कंडीशन सच एज फूड अवेलेबिलिटी, लाइट टेम्परेचर एंड वाटर एंड एक्टिव Euglena reproduces by the longitudinal binding fission. It is initiated by division of the basal bodies. Nucleus is divided by the mitotic in which the mitotic spindle is formed inside. The intact nuclear envelope it forms inside the intact nucleus, that is nuclear envelope and endosome or nucleolus are not disintegrate during the mitosis. तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे जो longitudinal binding fission है इसका एक condition होता है ये अनुकूल दशा में animals अपना प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेगा अनुकूल दशा में. सबसे पहली बात यह है कि रिप्रोडक्शन के बिफोर पहले एनिमल्स को टेम्परेचर्स और वाटर फूड पूरी तरीके से अगर अवेलेबल है तो वो उसको रिप्रोडक्शन करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है. तो रिप्रोडक्शन में इसमें जो मेनली बाइंडिंग फिजन है ये फेवरेबल कंडीशन में होता है और यहाँ पर जो न्यूक्लियस है इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा. तो यहाँ पे सेल डिवीजन की बात आती है तो छात्रों सेल डिवीजन, द सेल डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप, दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ द माइटोटिक डिवीजन एंड सेकंड द मेयोटिक डिवीजन. तो जो माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा है माइटोटिक, तो इसमें मैनली जो आपका माइटोटिक डिवीजन के द्वारा ये आपका जो है कि इंटरफेज अवस्था से जो माइटोटिक में फोर फेज होता है, द माइटोटिक सेल डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू फोर फेज, दैट इज फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज, फोर्थ टेलोफेज. तो इसमें जो चार अवस्थाएं हैं तो जैसे प्रोफेज की बात आती है तो अब मेनली जब रिप्रोडक्शन होगा तो इसमें आपके जो मेनली साइटोफेरेंस हैं कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हैं ये आपको धीरे धीरे डिसअपियर होने लगेंगे. मेन इसमें जो न्यूक्लियस का डिवीजन चल रहा है तो न्यूक्लियस इन चार अवस्थाओं के द्वारा प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज और टेलोफेज के द्वारा जो है ये पूरी तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं. तो जो फर्स्ट फेज है प्रोफेज, तो प्रोफेज में जो है मेनली आपका दिखा रहे हैं कि प्रोफेज में क्रोमोजोम किस टाइप के जो है दिखाई पड़ेंगे. तो आपको सबसे पहले इंटरफेज में तो बिल्कुल आपका क्लियर वैसे ही रहेगा और प्रोफेज में जो है क्रोमोजोम जो है कि एक तरीके से पैर में होना शुरू होते हैं. तो इन प्रोफेज स्टेज ऑल द न्यूक्लियोलाई फ्यूज टुगेदर इनटू ए सिंगल न्यूक्लियर बॉडी एंड ईच क्रोमोजोम इज स्प्लिट लॉन्गिट्यूडनल इनटू टू डॉटर क्रोमोजोम आर क्रोमेटिड. तो जो पहला फेज है जैसे ए फेज, इसमें न्यूक्लियाई क्रोमोजोम एकदम जनरल तरीके से दिखा दिया गया. अब यहाँ पे जो बी वाले पार्ट्स हैं जहाँ पे प्रोफेज स्टेप शुरू होता है वहाँ पे क्रोमोजोम पेयर्स में जुड़ने लगते हैं और बीच में न्यूक्लियस बॉडी जो मेन मिडिल पार्ट्स में है एक तरीके से सेपरेट होने लगते हैं, जो डॉटर्स क्रोमोजोम बनना शुरू हो जाते हैं.
थर्ड सेकंड स्टेप जो मेटाफेज है, इन मेटाफेज स्टेज द पेयर्ड क्रोमेटिड्स कम टू लाइफ इन ए लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। जो आपके पेयर क्रोमेटिड्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन पे स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आप देखें दो न्यूक्लियर जो बॉडी दोनों साइड में हो जा रहा है और जो क्रोमोजोम है वो बिल्कुल आपका एक प्लेन पे अरेंज हो रहे हैं। थर्ड पार्ट आता जो सेकंड थर्ड फेज है एनाफेज। एनाफेज में आपका जो मेनली स्पेंडल शेप बना लेता है और इसमें जो आपके फ्लैजला है वो आपके धीरे धीरे वो डिसअपीयर होने लगते हैं। तो ये आपका इन एनाफेज स्टेट द पेयर्ड क्रोमेटिड्स सेपरेट एंड मूव टूवर्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल। इसमें क्रोमोजोम जो है रिस्पेक्टिव पोल पे आना शुरू हो जाते हैं। तो रिस्पेक्टिव पोल आपका जैसे मेन ये है लॉन्गिट्यूडनल जो प्लेन्स हैं और बाकी जो यहाँ पे क्रोमोजोम है वो बिल्कुल पेयर में सेपरेट होने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं। और लास्ट में जो आपका टेलोफेज स्टेप है, इसमें एनिमल्स जो है डॉटर्स युग्लेनी का निर्माण करता है और डॉटर्स युग्लेनी में पूरी तरीके से सारे पार्ट जो है कि अपीयर होने लगते हैं। तो यहाँ पे आपका जैसे सिंगल जो आपके जो न्यूक्लियस जो हैं वो डिवाइड होकर के जो है वो सेपरेट होने लगते हैं। तो जो आपका जो लॉन्गिट्यूडनल वाइन डिफ्यूजन है ये मेनली आपका फेवरेबल कंडीशन में होता है और इसमें जो फेवरेबल कंडीशन के द्वारा इसमें लाइट और फूड और टेम्परेचर सारे जो ये मटेरियल्स होते हैं वो एक तरीके से अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद ये एनिमल्स जो युग्लेना है वो पूरी तरीके से बाइनरी फ्यूजन कर लेता है और बाइनरी फ्यूजन को कंप्लीट जो होने में लगभग 30 मिनट से लगभग लगते हैं। और ये बाइनरी फ्यूजन जब शुरू होगा तो इसमें आपके माइटोटिक सेल डिवीजन के चार फेज जो है मिल करके इसमें जो क्रोमोसोम को बिल्कुल सेपरेट करते हैं और धीरे धीरे वो बॉडी को स्पेंडल से बनाते हैं। इसके बाद लास्ट स्टेप जो टेलोफेज है वहाँ पे डॉटर युग्लेना का निर्माण कर देते हैं। अब मेन सेकंड जो पॉइंट है मल्टीपल फिजर एंड पालमेला स्टेज। तो जो मल्टीपल है वो आपके एक तरीके से द्विगुणात्मक फेज है, मल्टीपल फिजन एंड पालमेला स्टेज। इसमें इसको हम डिफाइन कर दे रहे हैं। तो जो मल्टीपल फ्यूजन एंड पाल्मेला स्टेज है उसपे मेनली जो आपके सिस्ट लगे होते हैं, जो सिस्ट वाल है सिस्ट, इसके बाद यहाँ पे पैरामीशन जो पेयर्स में आपके जुड़ने लगते हैं, तो ये आपके मेनली युग्लेना का डायग्राम। अब यहाँ पे जो सेकंड है डॉटर युग्लेनी डॉटर योगलिनी और उसके बाद जो है इसमें आपके म्यूसिलेजिनस कोट भी पाए जाते हैं। ये आपका सिस्ट है, इसमें म्यूसिलेजिनस लेजिनस कोट, ये आपका इस टाइप से जो स्ट्रक्चर है। आप तो ये सेकंड पॉइंट मल्टीपल फ्यूजन एंड पाल्मेला स्टेज, क्या हमने मल्टीपल फ्यूजन का बताया कि अभी तक आपने बाइनरी फ्यूजन को देखा। तो बाइनरी फ्यूजन मेनली आपके सिंगल युग्लेना मिल करके जो रिप्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पे आपको सिंगल युग्लेना दिखा, उसके बाद ये पेयर में जुड़ते हैं डॉटर युग्लेना। मेनली बात ये जो मल्टीपल फ्यूजन में यहाँ पे म्यूसिलेजिनस जो कोट है वो म्यूकस सिक्रेशन करके एक सिस्ट बना लेता है। और ये एज कंडीशन तब आते हैं जब मेनली ये इसको हम आपको डिफाइन कर दे रहे हैं अंडर अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन सच ए लैक ऑफ फूड ऑक्सीजन एक्सेसिव हीट कोल्ड ड्राइव यू मे बिकम इनएक्टिव एंड थ्रो ऑफ द फ्लैजम फ्रॉम द प्रोटेक्टिव थिक लेयर एलो आर ब्राउन म्यूसिलेजिनस कोट आर सिस्ट अराउंड इट। मेनली ये आपका जो सेकंड पॉइंट है मल्टीपल फ्यूजन एंड पाल्मेला स्टेज, ये ऐसे कंडीशन बहुत पहली बात है प्रतिकूल दशा में होंगे अनफेवरेबल कंडीशन में। और अनफेवरेबल जब कंडीशन में होंगे तो यहाँ पे मेनली इनको जो है लाइट फूड टेम्परेचर ये बिल्कुल नहीं मिल पाते हैं, तब ऐसा कंडीशन यहाँ पे लागू होता है। तब वो सिस्ट बना लेते हैं, एक जो सिस्ट वाल पूरा एक सिस्ट लेयर बना लेते हैं और
सिस्ट लेयर से वो ढक लेते हैं, उसके बाद वो अंदर ही अपने डिवीजन को रिपीट करते रहते हैं। और इस तरीके से इसमें जब माइटोटिक सेल डिवीजन लागू होता है तो डॉटर युग्मिका बनते बनते इसमें कम से कम 16 या 32 जो है सेल्स का निर्माण कर लेते हैं। तो ये आपका जो मेनली मिसलेग्नस मास जो सिक्रीट करता है उसके आधार पे ये अंदर ही अपने पूरी तरीके से 16 से 32 सेल्स का निर्माण करते हैं जो मल्टीपल फ्यूजन है। और ये पालमेला स्टेज में क्या है कि एक साथ कम से कम 3-4 युग्मिका मिल करके जो है उसका निर्माण करते हैं। तो अब लास्ट में जो है कि थर्ड पॉइंट आता है इंसिस्टमेंट। और जो इंसिस्टमेंट है वहाँ पे क्या है कि उसमें भी ये कंडीशन अनफेवरेबल होता है। तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन युग्मिका अंडरगोज इंसिस्टेड फॉर इंसिस्टमेंट फर्स्ट युग्मिका बिकम इनएक्टिव लूजेस इट्स फ्लैजला एंड सिक्रीट ए थिक राउंडेड रेड कलर प्रोटेक्टिव सिस्ट। तो यहाँ पे जो इंसिस्टमेंट की बात आती है वो भी प्रतिकूल दशा में होते हैं और उस समय जो है उनको लाइट भोजन और टेम्परेचर नहीं मिल पाता है। उस कंडीशन में यह एक सिस्ट बना करके जो है रिप्रोडक्शन करते हैं और उसके द्वारा जो है इसमें आपके एक सिस्ट जो रेड कलर्ड के प्रोटेक्टिव सिस्ट बन जाते हैं। उस सिस्ट के द्वारा जो है ये अपना विवाह मतलब कि रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। तो जो सिस्ट होता है वो ठीक होता है, थोड़ा सा मोटा, और इसमें कम से कम 2 से 4 लेयर जो है सिस्ट बनता है। 2 से 4 लेयर जो ये आपका ये है चीज सिस्ट, ये 2 से 4 लेयर में कंप्लीट होता है। और इस तरीके से हमने आपको जो ये रिप्रोडक्शन की बात आती है तो यहाँ पे जो प्रजनन मेनली एसेक्सुअल होता है और न कि सेक्सुअल। एसेक्सुअल होगा तो द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट पार्ट इज द लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, सेकंड मल्टीपल फ्यूजन एंड पॉलीमेला स्टेज, थर्ड इंसिस्टमेंट। तो बाइनरी फ्यूजन इज द रिप्रोड्यूस ऑफ द सेल डिवीजन ऑफ द माइटोटिक फेज इज द 4 फेजेस, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। द प्रोफेज स्टेज ऑफ द क्रोमोसोम इज द पेयर, मेटाफेज इज द क्रोमोसोम सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियस, एंड एनाफेज द क्रोमोसोम इज द स्पिंडल शेप, एंड टेलोफेज द 2 डॉटर्स युग्मिका फॉर्म। मल्टीपल फ्यूजन एंड पॉलीमेला स्टेज, द मल्टीपल फ्यूजन इज द सिंगल युग्मिका इज द सिस्ट फॉर्म इन द रिप्रोड्यूसेस ऑफ क्रोमोसोम जो सेल्स इन द 16 or 32 सेल्स। इंसिस्टमेंट ऑफ द सिस्ट लेयर इज द 2 to 4 लेयर सिस्ट इज द थिक एंड मोर रिप्रोड्यूसेस ऑफ द युग्मिका। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें आपके जो हमने रिप्रोडक्शन बताया आप ये बाइनरी फ्यूजन जो कि मेन है और दूसरा है आपके मल्टीपल फ्यूजन और इंसिस्टमेंट, तीनों हमने आपको दिखा दिया। इस तरीके से जो है आपका युग्मिका का जो रिप्रोडक्शन टॉपिक है एंड होता है। कुछ इसमें हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं वो उसको हम आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन युग्मिका फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, युग्मिका में फूड जो स्टोर्ड होता है वो कौन से ऑर्गन्स में होगा। फर्स्ट ऑप्शन पैरामाइलन, सेकंड ऑप्शन क्रोमेटोफोर, और थर्ड ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, और फोर्थ ऑप्शन न्यूक्लियस। तो इसमें पहला ऑप्शन पैरामाइलन बॉडीज होगा। तो नेक्स्ट हम आपको रिप्रोडक्शन के बाद कुछ वेरी सारे टाइप के क्वेश्चंस और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बताने चल रहे हैं कि जैसा कि फर्स्ट जो क्वेश्चंस है वो नेम द पार्ट ऑफ ओरल ऑपरेटर्स ऑफ युग्मिका। तो जो इसमें ओरल ऑपरेटर्स युग्मिका में है कौन कौन से ऑर्गन्स हो सकते हैं जो ओरल पार्ट में दिखाए गए हैं। इसका आंसर है साइटोस्टोम, साइटोफेरिंग्स, रिजर्वायर। साइटोस्टोम, साइटोफेरिंग्स एंड रिजर्वायर ऑफ द युग्मिका इज द ओरल ऑपरेटर्स। सेकंड क्वेश्चन,
फैलकल्स ऑफ योगलेना कंसिस्ट ऑफ टू लेयर गिव देयर नेम। तो योगलेना की बॉडी में जो फैलकल्स पाए जाते हैं उसमें दो लेयर्स होते हैं और उन दो लेयर्स का नाम क्या होगा, जिसमें आंसर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ईपी प्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ईपी प्लाज्म है। तो दो लेयर्स होते हैं छात्रों, ये फैलकल्स ऑफ योगलेना कंसिस्ट ऑफ टू लेयर गिव देयर नेम्स। इसमें जो दो नाम है लेयर में फैलकल्स में वो है ईपी प्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेंशन द अल्टरनेटिव टर्म ऑफ फॉर बेसल बॉडी, मेंशन द अल्टरनेटिव टर्म फॉर बेसल बॉडी। क्या मेंशन करता है अल्टरनेटिव टर्म फॉर बेसल बॉडी, आंसर होगा ब्लीफ फेरोप्लास्ट काइनेटोप्लास्ट। ब्लीफ फेरोप्लास्ट मोस्टली आपके फ्लैजिला में पाए जाते हैं। हमने आपको बताया था कि फ्लैजिला में 11 फाइब्रिल्स होते हैं जिसमें 2 सेंट्रल्स और 9 जो है पेरिफेरल्स में होते हैं, तो वहीं पे आपका ब्लीफ फेरोप्लास्ट का नाम आता है जो काइनेटोप्लास्ट में पाए जाते हैं। तो अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एंडोसोम, एंडोसोम किसे कहते हैं। तो आंसर है न्यूक्लियोलस इन द न्यूक्लियस ऑफ यूग्लेना। बॉडी के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें एक न्यूक्लियोलस होता है, उसी को हम क्या कहेंगे एंडोसोम्स कहेंगे, कि एंडोसोम्स में आपके न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं और न्यूक्लियोलस जो है न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो एक न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामाइलन बॉडीज फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, खाली स्थान को भरना है इसमें। तो पैरामाइलन बॉडीज इन यूग्लेना स्टोर, तो बॉडी के अंदर यूग्लेना बॉडी के अंदर पैरामाइलन जो स्टोर होता है, पैरामाइलन में क्या चीज स्टोर होता है एज फूड रिजर्व, वो जो फूड के रूप में है। तो ये जो खाली स्थान है यहाँ पे मेनली आपका जो स्टार्च होगा, स्टार्च, ये स्टार्च जो है फूड के रूप में जो है वो होता है और वो पैरामाइलन बॉडी में जो है रिजर्व होता है, जो कि पैरामाइलन बॉडी आपने फिगर में जो हम आपको बना के दिखाए थे अभी, कि ये आपका यूग्लेना फिगर और इसमें जो है मेनली यहाँ पे न्यूक्लियस और ये आपके जो है पैरामाइलन बॉडी है, पैरामाइलन बॉडीज। इसी ऑर्गन्स में जो जितने भी फूड मटेरियल है जो स्टार्च है, तो आपका जो स्टार्च मेनली इसी में स्टोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 6, पैरामाइलन बॉडीज आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ डट इन योगलेना। योगलेना में जो बाई प्रोडक्ट देने का काम करता है वो कौन से प्रोसेस से होता है। अब यहाँ यूग्लेना तो ग्रीन कलर का होता है, जिसमें जो भोजन बनाने के लिए जो प्रोडक्ट होंगे तो वो कौन से होंगे, जैसे कि यूग्लेना की बॉडी जो है अपना भोजन बनाने के लिए स्वयं बनाते हैं, तो वहाँ पे सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, मैंडल्स वाटर होंगे, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, यही प्रोसेस यहाँ पे आकर के सबमिट होगा, इसको हम क्या कहेंगे फोटोसिंथेसिस। और देखिए फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है तो उसमें मैनली एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थ से जल और खनिज लवण, और उसके बाद क्लोरोप्लास्ट की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाता है यूग्लेना। इसलिए यहाँ पे बाई जो प्रोडक्ट, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि बाई पैरामाइलन बॉडीज आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ डट इन योगलेना, जो प्रोडक्ट देने का काम करता है वो है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगलेना मूव विद द हेल्प ऑफ, योगलेना जो है वो कैसे मूव करेगा, किस ऑर्गन्स की सहायता से। तो ऑप्शन फर्स्ट फ्लैजिला, सेकेंड ऑप्शन सीरोपोडिया, थर्ड ऑप्शन सीलिया और फोर्थ ऑप्शन नन है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि योगलेना मूव विद द हेल्प ऑफ, तो किस ऑर्गन से वह मूविंग करेगा। तो पहला ऑप्शन है फ्लैजिला,
सेकंड सिरोबोडिया, थर्ड सीलिया और फोर्थ नन, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से पहला ऑप्शन सही होगा फ्लैजिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्मो रेगुलेशन इन योग्लेना डन बाई। तो योग्लेना में ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है वो किस आर्गन से होगा? ऑप्शन फर्स्ट फ्लैजिला होगा नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत। सेकंड न्यूक्लियस, ये भी एकदम गलत। थर्ड ऑप्शन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये ऑप्शन करेक्ट है कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से ही आपका ऑस्मो रेगुलेशन के लिए संभव है, किसी आर्गन्स के द्वारा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा ही जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है। अभी हमने आपको बताया भी था कि ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का मुख्य कार्य है। द मेन फंक्शन ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इज द ऑस्मो रेगुलेशन। तो जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है उसमें दो अवस्थाएं होती हैं, एक ऑस्मोसिस और दूसरा डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस जो होता है वो परासरण कहते हैं, और परासरण का जो परिभाषा है वो क्या होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो जल बहता है और उसके सापेक्ष जो एनिमल्स उस समय अपने वाटर से आउटपुट को ग्रहण करते हैं तो ऑस्मोसिस कहलाता है। और जो डिफ्यूजन की बात आती है ऑस्मो रेगुलेशन में, तो बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है जैसे कि जो फीकस मटेरियल है उसको एक तरीके से कैसे वो डिफ्यूज करेगा, तो वहाँ पे डिफ्यूजन होता है, विसरण होता है, विसरण की सहायता से वो डिफ्यूज करता है। तो ये सारे प्रोसेस ऑस्मो रेगुलेशन की बात आई, तो ऑस्मो रेगुलेशन इन योग्लेना डन बाई कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की सहायता से जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौवां, योग्लेना लैक्स, योग्लेना की बॉडी में क्या चीज एब्सेंस है? वो आप ऑप्शन सुन लीजिए कि योग्लेना लैक्स, योग्लेना की बॉडी में कौन से आर्गन्स लॉक होते हैं, एब्सेंस होते हैं? पहला ऑप्शन साइटोस्टोम, सेकंड साइटोफेरिंग, थर्ड साइटोबाजी, फोर्थ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। देखिए इसमें तो आपके साइटोस्टोम नहीं हो पाएगा, साइटोफेरिंग्स भी नहीं होगा और यहाँ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी नहीं होगा। मेन ऑप्शन सी से ही होगा, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स सॉरी मेनली क्या है कि योग्लेना लैक्स, योग्लेना की बॉडी में जो एब्सेंस है वो है आपका साइटोफाइजी। साइटोफाइजी योग्लेना की बॉडी में नहीं होता, क्योंकि साइटोफाइजी आपका जो सेल एनएच पार्ट होता है वो वीक होने लगता है, जैसे पैरामिशियम में होता है। तो पैरामिशियम में एक्सक्रीशन करने के लिए मेनली साइटोफाइजी आर्गन्स होते हैं जो पोस्टीरियर पार्ट में पैरामिशियम में होते हैं, और जहाँ पे पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पे धीरे धीरे जो पैलकल्स हैं वो कमजोर होने लगते हैं, तो वहाँ पे साइटोफाइजी होता है। तो यहाँ लैक होता है, योग्लेना की बॉडी में तीनों आर्गन्स होते हैं, साइटोस्टोम पाए जाते हैं, साइटोफेरिंग्स पाया जाएगा और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं, लेकिन साइटोफाइजी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिएशन इन योग्लेना इज, योग्लेना में पोषण किस टाइप से होता है? तो इसमें ऑप्शन है ऑटोट्रॉफिक वल्डी, बिल्कुल नहीं होगा, सेप्रोफिटिक वल्डी, बिल्कुल नहीं होगा, होलोफिटिक वल्डी, ये भी नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन जो डी है वो मिक्सोट्रॉफिक टाइप का जो न्यूट्रिएशन पाए जाते हैं इसमें। तो मेनली ये जो हमने अभी बताया था कि सेप्रोफिटिक और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन एज वेल एज मेक्सोट्रॉफिक, तो इसमें आपका मिश्र पोषी न्यूट्रिएशन योग्लेना में पाए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, योग्लेना कंटेन क्लोरोफिल, योग्लेना की बॉडी में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और मेनली जो क्लोरोफिल है तो वह कितने टाइप का होगा, कितने क्लोरोफिल पाए जाएंगे? तो ऑप्शन जो पहला ऑप्शन है ए एंड बी, सेकंड बी एंड सी, थर्ड ए बी एंड सी, फोर्थ ए एंड सी। तो इसमें मेनली जो क्लोरोफिल की बात आई, तो क्लोरोफिल इसमें मेनली आपके फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्लोरोफिल ए एंड बी पाए जाते हैं, जो पैरामिशा योग्लेना की बॉडी में दो क्लोरोफिल ए एंड बी एंड बीटा कैरोटीन, वो तो अलग है क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे क्लोरोफिल की बात आई, यही ऑप्शन मेनली सही होगा। इस तरीके से हमने आपको योग्लेना टॉपिक लिया था, तो योग्लेना टॉपिक में हमने आपको न्यूट्रिएशन और रिप्रोडक्शन
और कुछ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस लिए थे। इस तरीके से ये टॉपिक एंड हुआ। थैंक यू।